की कंसेप्ट यूज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वो होती है जो है, है, जो है, है, तो जो है वो हाफ ऑफ एम होता है मास होता होता है जो चलो सपोज करते हैं ये अपना पहला प्रोजेक्टाइल है और ये अपना दूसरा प्रोजेक्टाइल है और फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है यू तो इसकी वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे हम यून और इसके वर्टिकल वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे यू टू अब सेकेंड प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वी तो इसके वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे वी वन और वर्टिकल वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे वी टू जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाते हैं तब होती है इनकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाता है जीरो तो यहां से हम लिख सकते हैं जो इस समय मैक्सिमम हाइट पर इनके जो वेलोसिटीज होंगे वो होंगे यू वन और यहां पर इसका होगा V1. तो यहां से हम लिख सकते हैं यूएन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वी वन स्क्वेयर दैट इज गिवन टू एस विच इज फोर एस टू वन दैट इंप्लाइज एस दैट यू वन डिवाइडेड बाय वी वन इज इक्वल टू टू एज टू वन अब हमें इनके मैक्सिमम हाइट के बारे बताया। projectile projectile में बताया मैक्सिमम हाइट क्या होती है प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्टाइल में एच मैक्स जो होता है वो होता है वर्टिकल वेलोसिटी। मतलब 2g. अब जो है, वो है यू टू और वी टू अब प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है वो डिपेंड करती है वर्टिकल वेलोसिटी के स्क्वायर पे अब तो यहां से हम लिख सकते हैं इसे यू टू डिवाइडेड बाय अब हम समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है जो प्रोजेक्टाइल की रेंज होती है वो होती है टू टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड विद हॉर्जेंटल कंपोनेट डिवाइडेड बाय जी तो यहां से हम लिख सकते हैं जो रेंज का जो रेशियो होगा वो होगा U2 टू मल्टीप्लाइड विद यू वन डिवाइडेड बाय वी टू मल्टीप्लाइड विद वी वन तो यहां से हम लिख सकते हैं के रेशियो थे टू एस टू वन मल्टीप्लाइड विद टू एस टू वन तो आ जाएगा फोर एस टू वन तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो रेंज का जो रेशियो आ रहा है वो आएगा फोर एस टू वन एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू बेस्ट ऑफ लक